बीते 3 सालों में जिला शिमला में सबसे अधिक लोग लापता हुए। हम आपको बता दें कि बीते 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 7038 लोग लापता हुए। प्रदेश पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि रही कि पुलिस ने 6183 लापता लोगों को तलाश लिया है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भी लापता होने वाले बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या कम नहीं है। बीते 3 वर्षों में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से 608 महिलाएं, 191 पुरुष, 19 लड़के, 87 लड़कियां लापता हुई। कुल मिलाकर 905 लापता लोगों में से 784 लापता लोगों को पुलिस ने तलाश लिया है। ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि रही। जो 87 लड़कियां हैं, उन तमाम लड़कियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और लापता हुए 19 लड़कों में से 18 लड़कों को पुलिस ने तलाश लिया है। हैरत की बात यह है कि लापता लोगों में से सबसे अधिक संख्या जिला शिमला की है। जिला शिमला से 340 पुरुष, 576 महिलाएं, 45 लड़के, तो वहीं पर 60 लड़कियां गायब हुई थी। कुल मिलाकर 1055 गायब हुए लोगों में से 942 लोगों को पुलिस ने तलाश लिया है, जो कि पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।